लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ज्यादा अलर्ट हो चुका है। अब चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए उनका टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इन देशों से आने वाले किसी भी यात्री में कोरोना के लक्षण पाए जाने या फिर जांच में संक्रमित होने पर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। और यही नहीं, इन यात्रियों पर एयर सुविधा पोर्टल के जरिए नजर भी रखी जाएगी, यानी वो निगाह में रहेंगे, वो निगरानी में रहेंगे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइंस के बाद राज्य सरकारें अलर्ट हो गई। यही नहीं, लोग भी कोरोना से बचने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए नजर आए, बड़े से लेकर बुजुर्ग तक मास्क पहने नजर आए। जबकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी कोरोना की टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। जिन लोगों में संक्रमण के लक्षण मिल रहे हैं वो सरकारी अस्पताल पहुंचकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं। जबकि गुजरात के ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सूरत में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा दी गई है। इसके अलावा तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट पर कोरोना की टेस्टिंग भी तेजी से लाई गई है। जबकि हैदराबाद की बात करें तो वहां पर कोरोना को लेकर लोग अलर्ट नजर आए। जिन लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं वो अस्पताल पहुंचकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं। तो कोरोना के खतरे के बीच राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। झारखंड सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है जिसके मुताबिक एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर यात्रियों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं झारखंड में। और जिन लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें आइसोलेट कर प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज करने को कहा गया है। इसके साथ ही सरकार ने आरटीपीसीआर और आरएटी जांच बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। पीएम मोदी ने सदैव अटल स्मारक पर जाकर दी पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि। बीजेपी गुड गवर्नेंस के रूप में मना रही है अटल जी की जयंती। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का कार्यक्रम। साल 2022 में आखिरी बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजियाबाद के आईटीएस कॉलेज में सुनेंगे मन की बात। टीवी एक्टर तुनिशा शर्मा की खुदकुशी मामले में साथी एक्टर शिजान गिरफ्तार। शिजान पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज। मुंबई के जेजे अस्पताल में हुआ तनिशा के शव का पोस्टमार्टम। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।